उस स्टेज पे जाने से रोकेंगे और हो सकता है बच्चे की उम्र उससे ज्यादा हो चुकी हो और वो जा सकता हो लेकिन चूंकि हमारे टेस्ट में फिट नहीं बैठता इसलिए हम उसको इजाजत नहीं दें तो इससे क्या कर रहे हैं हम उनकी अपॉर्चुनिटी को रोक रहे हैं हम उनकी एंट्रेंस को रोक रहे हैं प्लेसिंग चिल्ड्रन इन अप्रोप्रिएट एबिलिटी ग्रुपिंग और ऐसा भी होता है कि आपके टेस्ट पे चूंकि वो बच्चा पूरा नहीं उतरा आप उसको किसी और ग्रुप में भेज रहे हैं जिसका वो अहल नहीं है क्योंकि उस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर सका उस वक्त कोई भी और ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा परफॉर्म ना कर सके और आपके बेंच मार्क्स पर पूरा नहीं उतर सका तो आपने उसको दूसरे ग्रुप में भेज दिया जिसका बाद में उसको तमाम उम्र नुकसान पहुंचे यूजिंग चिल्ड्रन परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट टू देयर फ्यूचर अब ये जो गैसल स्कूल रेडीनस टेस्ट है इसके बड़े स्ट्रिक्ट बेंच मार्क्स हैं कि बच्चा इतने डिजिट को फंक्शन कर सकता हो और इतने लैंग्वेज के वर्ड्स बोल सकता हो और इतने ये प्लेसेस के या शेप्स के आइडेंटिफाई कर सकता हो और अगर वो नहीं कर सकता तो इसका मतलब है वो तैयार ही नहीं अब देखिए पहले ये होता था कि बच्चे जिस भी एज में स्कूल में चले जाते थे तो स्कूल उसको कैप्चर कर लेता था उनकी पोटेंशियल को और उसके मुताबिक उनको तालीम दी जाती थी लेकिन अब अगर तीन साल का बच्चा भी कहीं दाखिल होता है तो पहले से उसका टेस्ट लिया जाता है अगर वो उस टेस्ट को पूरा कर सकता है तो उसको एडमिशन मिलता है वरना आप उसका एडमिशन डिनाई कर देते इसका मतलब ये है कि आपने अपने टेस्ट की वजह से बच्चों को पोटेंशियल से रोक दिया और आप समझते हैं कि हमारे ये ऐसे प्रिडिक्टिव टेस्ट हैं जो उनके एप्टीट्यूड के बारे में इतला फराम करते हैं लेकिन असल बात यह है कि बच्चों की उम्र अभी इतनी छोटी है कि आप उनके बारे में ठीक तरह से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते इसलिए बहुत छोटे बच्चों को स्टैंडर्डाइज टेस्ट के तहत मापना बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ असेसमेंट इंफॉर्मेशन कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अब अगर आपके टेस्ट इनअप्रोप्रिएट है, हाई स्टेक हैं फिक्स हैं स्टैंडर्डाइज हैं तो आप बहुत से बच्चों को आप उसमें से खारिज कर देंगे क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरे नहीं उतर सके जिससे वो सारी जिंदगी उसको भुगतेंगे सारी जिंदगी उसका नुकसान वो उठाते रहेंगे वजह उसकी ये थी कि उनको नहाय ज़्यादा बचपन के अंदर आपने बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स पे जज करने की कोशिश की सो यंग चिल्ड्रन आर नॉट रिलायबल टेस्ट टेकर हमने पहले भी अर्ज किया था कि असेसमेंट और इवेलुएशन बड़े आ, ऐसे आप समझिए वर्ड्स हैं छोटे बच्चों के लिए तो वैसे ही नामुनासिब है इसलिए कि वो अभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में है कोई बच्चा थोड़ा आगे है कोई थोड़ा पीछे है किसी की कॉग्नेटिव एबिलिटीज अभी बन रही हैं किसी की मसल ब्रेन कोऑर्डिनेशन अभी बन रही है को अभी थोड़ा थोड़ा लोगों को पहचान के सोशल होना शुरू हुआ है कोई अभी थोड़ा शाही है अभी उसको समझ ही नहीं है कि किन लोगों के साथ उसने बात करनी है और किन के साथ बात नहीं करनी अभी से आप उनको पूछना शुरू कर देंगे तो जरूरी नहीं कि वो उस तरह से परफॉर्म करें कई दफा चीजों बच्चे बच्चे को चीजें आती हैं लेकिन वो बता नहीं सकता वो इसलिए कि वो डर रहा है कि ये अजनबी लोग हैं मैं कैसे इनके सामने बात करूं पता नहीं है मेरे साथ क्या सलूक करें तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप स्टैंडर्डाइज बेंच मार्क्स के ऊपर अपने बच्चों को मैयर करें और फिर उसके ऊपर डिसीजन भी लें टेस्टिंग कॉज एजुकेटर्स टू व्यू द नेचर ऑफ प्रोग्रेस इन फ्रेगमेंटेड एंड कंपार्टमेंटलाइज वेज रादर देन इन कोहिव एंड इंटेरोगेटिव वेज जैसे मैंने अर्ज किया हम तो ये करेंगे कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उन पर हम जजमेंट दे देंगे ये बच्चा इस काबिल है कि आगे चले और ये बच्चा है जिसको हम दाखिला नहीं देंगे तो आपने तो जजमेंट दे दी दर हकीकत बच्चा उस जजमेंट का मुस्तक नहीं है चूंकि वो अभी डेवेलपमेंटल प्रोसेस में है हो सकता है चंद दिन के बाद वो आज से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें और आने वाले दिनों में वो बाकी सारे लोगों से आगे निकल जाए लेकिन आप अपने गलत असेसमेंट के बेसिस पे अभी से उससे अपॉर्चुनिटीज छीन लेना चाहते हैं ये कभी भी दुरुस्त नहीं जैसा हमने अर्ज़ किया कि हमारा जो कोर्स है ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन अर्ली चाइल्डहुड तो ये एक नया ट्रेंड है बहुत से छोटे बच्चों का दाखला ले दाखिले का टेस्ट लेना जो कि इसके साथ साथ एक इशू भी है क्योंकि यही आप टेस्ट आपके लिए इशूज़ क्रिएट करता है बच्चों के लिए ये इक्वालिटी या इक्विटी प्रोवाइड नहीं करता और असल बात यह है कि आप उनके नेचुरल पोटेंशियल को डिनाई करते हैं आपने तो उनको मौका ही नहीं दिया कि वो अपने पोटेंशियल्स को सामने लेके आए उन्हें वक्त चाहिए उन्हें अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में अभी निकलना है